गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसके बाय आफरीन। यस, ऐसा है कि आज है आखिरी रोज़ा और अभी हो रहे हैं दोपहर के 3, राइट। और सच बोलूँ तो बिलासपुर में बहुत गर्मी है, लेकिन घर के अंदर बहुत सुकून मिल रहा है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, तो ऐसा फील नहीं आया। मैं बहुत डरी हुई थी कि बिलासपुर जाके मुझे बहुत गर्मी लगेगी, बट टू बी फ्रैंक बिल्कुल भी, मेरे को देख के ही लग रहा होगा आप लोगों को कि आफरीन बिल्कुल चिल कर रही है। यस, तो ये मेहंदी लगाई है मैंने, मुझे मेहंदी लगाने तो आती नहीं, बट मैंने कुछ भी इधर कुछ लीव्स बना दिए, इधर कुछ एक ऐसा, एक इधर कुछ ऐसा। होप तो ऐसे देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कलर जब आएगा नेक्स्ट मॉर्निंग या ऐसे मैं थोड़ी देर पे निकाल दूँगी, या ड्राई हो चुका है तो कलर अच्छा आ जाएगा। तो ये रहा कुछ मेरा ईद का प्रभी, जा रही हूँ ईद की जो आज शाम है कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो हम लोग जा रहे हैं बाहर। मैंने मेहंदी लगा ली, मैंने कपड़े भी चेंज किया है, येलो कलर पहना है, तो चलिए चलते हैं फिर। अब्बू कर रहे हैं ड्राइव, क्या अब्बू कहाँ जा रहे हैं अब्बू फिर आज हम लोग? और इसका शरबत भी है, ऐसे निकालने का था उसको। हमने पार्सल ले लिया है जूस का और अभी हम जा रहे हैं दूसरे काम की तरफ अपने। A few moments later, मैं आई हूँ छत पे चांद देखने के लिए, लेकिन बादल इतना है कि चांद दिख नहीं रहा है, मतलब दिखा चांद कुछ सेकंड के लिए पर वो छुप गया बादलों की वजह से। तो ये देखिए ऐसा है कुछ। गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल एएसके बाय आफरीन। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और ईद मुबारक हो मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। आज है ईद की मॉर्निंग और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 5:30। हम उठ गए थे 4:30 को, नमाज वगैरह पढ़ा फजर का और बस दिन की शुरुआत करनी है आज से। मेरा मेहंदी देखे आप लोग, बहुत ही मुझे मेहंदी का डिज़ाइन नहीं लगाने आता, बट जो भी मैंने लगाया है कलर आ गया है, बट इट्स ओके। जो भी लगा है, ईद सेलिब्रेट करना है, आज हमें बिरयानी खानी है, शुरखुरमा खाना है, यू नो, तो उसके लिए भी एक्साइटमेंट है। फैमिली के साथ ईद मनाने का एक अपना अलग ही मज़ा रहता है। आप कितनी भी अच्छी ईद सेलिब्रेट कीजिए, अकेले कीजिए, कैसे भी कीजिए, बट जब आप फैमिली के साथ होते हैं ईद के दिन पर स्पेशली, तो उसका जो मज़ा होता है वो हो जाता है डबल ट्रिपल हद में, क्योंकि आपको ईद भी मिलती है। क्योंकि तो बस ये था मेरा मॉर्निंग और नमाज हो गई है, अभी अब्बू लोग सब नमाज के लिए गए हैं, फजर के आएंगे, फिर फ्रेश होंगे, फिर जाएंगे ईद की नमाज के लिए और बस ऐसे चलेगा आज का दिन हमारा। तो अम्मी आज स्पेशल ईद में क्या बना रहे हैं आप? हमारे घर बन रहा है बिरयानी, रायता, सलाद, सरखुरमा, सिमाई। अरे वाह, इतनी सारी चीजें। सबको हमारे तरफ से ईद मुबारक। तो आप सबको अम्मी की तरफ से ईद मुबारक। ओके, सबको ईद मुबारक हमारे तरफ से, छोटे बड़े सबको। हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज है ईद, आप सभी को ईद मुबारक फिर से मेरी तरफ से। और अभी बज गए 12, तो जैसे मैंने बनाया, मतलब मम्मी ने बनाया बिरयानी वगैरह, तो भूख इतनी लगी है, तो पहले सोचे की बिरयानी खा लेते हैं। तो देखिए क्या क्या बनाया आज हमारे। तो जिस तरीके से आपने देखा, ईद के लिए हम इतना कुछ किए पूरा दिन, अभी ऑलमोस्ट थक चुके हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे से उठे, फजर की नमाज, फिर घर का साफ सफाई, फिर नहाना, ईद की नमाज, फिर खाना बनाना और फिर फैमिली के साथ खाना खाना और वो फ़ोटोशूट। तो ये सब करते करते बच गए अभी दोपहर के 3। फैमिली के साथ फ़ोटोशूट हो चुका है और अभी ऐसा है कि सोच रहे हैं थोड़ा सो जाते हैं, फिर देखते हैं शाम में क्या करना है। और फिलहाल ऐसा है कि हमारी जो कार है वो भी ख़राब हो गई है, तो हमारा बाहर जाने का प्लान था तो आज वो कैंसिल हो गया है, तो अभी आज हम पूरा दिन घर पे ही रहेंगे, तो बाहर जाना शायद नहीं हो पाए, बट देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। तो मैं, आप कंटिन्यू कीजिए मेरा ब्लॉग। हेलो, गुड
गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ए एस के बाय आफरीन। यस, तो आज है ईद का सेकेंड डे और कल का जो ऐसा दिन रहा कि ईद नमाज खाने और गेस्ट जो आते उनमें चला गया टाइम, तो उतना ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बना पाया, बट फिर भी आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखेंगी उसमें कल की मेरी। लेकिन आज सेकेंड डे है तो आज का कुछ ऐसा प्लान है। पहले एक मिनट मैं आपको मिलाती हूँ अब्बू से, क्योंकि पहले वाले जो ब्लॉग था जब मैं आई थी तो उस पर आप अम्मी को देखे थे, अब्बू को नहीं। तो हेलो, गुड मॉर्निंग। ये मेरे अब्बू। कल कैसा रहा अब्बू आपका ईद? बहुत अच्छे। बिरयानी कैसे लगी? फाइन फाइन। एक्चुअली इनको बिरयानी अलाउड नहीं है क्योंकि इनका लास्ट ईयर हुआ था ओपन हार्ट सर्जरी, तो एज़ पर हिज डॉक्टर की ये बिरयानी नहीं खा सकते, बट फिर भी कल इन्होंने थोड़ी सी बिरयानी टेस्ट की तो एंजॉय किया। 2 साल के बाद बिरयानी खाए क्या आप अब्बू? कल 2.5 साल के बाद, 2.5 साल के बाद ये बिरयानी खाए, तो ऐसा हुआ अब्बू के साथ। पिछले ईद में इतनी बिरयानी खा चुके थे लाइफ में कि 2 साल बिरयानी में गैप हो गया। तो ऐसा उधर अम्मी से कमेंट मार रही है कि नहीं 2 साल बाद नहीं खाए, बीच में 2-3 बार बिरयानी का टेस्ट किया। बट एनीवेज कल इन्होंने थोड़ा दिल खोल के बिरयानी खाया अब्बू। और आज का क्या प्लान है अब्बू? आज क्या करने वाले हैं हम लोग? कहाँ जा रहे हैं? आज मार्केट में, उसके बाद जाएंगे मेहमान नवाजी के लिए। उसके बाद कहाँ जा रहे हैं? उसके बाद जाएंगे। हाँ, उसके बाद आज हमारी टिकट है इवनिंग की और आज हम लोग जा रहे हैं रॉकी भाई को देखने थिएटर पे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है कभी थिएटर नहीं गए हैं, इतने लंबे गैप हो चुके हैं। तो 2 साल का, क्योंकि हर साल हम ईद में मूवी देखने जाया करते थे पर पिछले 2 साल से नहीं जा रहे हैं, तो इस साल सोचा कि चलो घर आए हैं तो मूवी देख लेते हैं। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है कि उसमें मैं आपको लेके जाऊंगी मेहमान जहां हम जा रहे हैं वहां गेस्ट के लिए, और सेकंड जगह जाने वाले हैं हम लोग मॉल बिलासपुर का मैकनाटो मॉल, जहाँ पे हम जाएंगे मूवी देखने के लिए। तो ऐसे जाने वाला है आज का मेरा दिन, तो मैं आपको मिलते रहूँगी धीरे धीरे थोड़ी देर में, ठीक है अब्बू? ओके। गुड आफ्टरनून अगेन। मैं रेडी हो गई हूँ बाहर जाने के लिए। हम जा रहे हैं बाहर अकबर भाईजान के घर पे दावतें ईद के लिए। धूप बहुत तेज है, हम स्कूटी में जा रहे हैं क्योंकि भाईजान का घर पास में है। तो ये ऐसा है कुछ मेरा गली बैकग्राउंड में, अगर आप देख सकते हैं तो हम पहुंच गए हैं अकबर भाईजान के घर यहाँ पे। ये हमारे अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम बाजी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम सबको, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, ये हमारे सबसे छोटे अनाबिया, क्यूट है तो ये हमारी फैमिली अकबर भाईजान की, जिसके लिए हम आ जाए हैं ईद के सेलिब्रेशन के लिए। हमारी खाला है, अस्सलाम वालेकुम खाला। हाँ, तो ये घर की सबसे बड़ी मुखिया है छत्तीसगढ़ी, हमको बोला ना जी सलाम तर मोर बेटिया दाई अल्लाह पाक ओही लोग कहां तरफ पहचान। हां, तो ये है इस घर का छोटा सेकंड छोटा बच्चा और ये है सबसे छोटा बच्चा। हमारा दस्तरखान अकबर भाईजान के घर का रेडी है। ये है दाल, चिकन, मटन, पुलाव एंड रायता, सलाद, सैलेड्स आ गई है कुछ। जैसे कि आ गए हैं हम दावत से और अभी जो हमारा प्लान है, हम जाने वाले हैं मूवी के लिए और रॉकी भाई की मूवी देखने के लिए जाने वाले हैं। शो का टाइमिंग है 7:30 का और अभी हो रहा 5:30। हमारी कार है गैरेज में, तो कार को लाने के लिए गए हैं अब्बू। तो जैसे ही आएंगे जाएंगे, टिकट है सब लोगों की लेकिन अम्मी का मूड नहीं है जाने का बिकॉज शी इज़ वेरी टायर्ड नाउ, तो उनको मूवी का कोई वैसा क्रेज़ भी नहीं है, तो हम लोग अम्मी के बिना जाने वाले हैं। तो देखते हैं, मैं एंड तक ट्राई करूंगी कि अम्मी चलो मूवी के लिए, लेट्स सी उनका क्या रिएक्शन है। कब अम्मी मूवी के लिए चलना है? चलो ना अम्मी मूवी के लिए, पैसा बर्बाद हो जाएगा। अभी मूड नहीं है, नहीं जाना है, अपना नहीं जाएगा काय पर तू लो नहीं जाए, बस चल चल नहीं देख ले ने, आराम कर दो, नमाज पढ़ दो, आराम कर दो। तो मुर्दाई कहा था फिजूल काम नहीं करना, फिजूल काम नहीं करना है। मूड है नहीं जाने का, मतलब मेरी टिकट वेस्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे ब्लैक में भी नहीं बेच सकती मैं
तो एनीवेज अम्मी नहीं जा रही है, फिर भी मैं जाऊंगी और ब्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखते रहिए आगे का नेक्स्ट कि मैं कहाँ जा रही हूँ। हम लोग मैग्नेटो मॉल में, यहाँ पे कुछ कुछ जगहों में मास्क कंपलसरी है, कुछ कुछ जगहों में नहीं है। तो मेरे साथ आया है अरसू और हम मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट बचा है हाफ एन आवर, और हाफ एन आवर में हम कुछ सोचें कुछ खा लेते हैं क्योंकि भूख भी लगी हुई है थोड़ी बहुत। दोपहर में खाना खाए थे बट अभी अम्मी बोली कुछ खा के जाओ, लेकिन सोचे मॉल आ रहे हैं और अरसू के साथ आ रहे हैं तो कुछ खा लेते हैं, बर्गर वगैरह। बिलासपुर का मॉल बहुत छोटा है लेकिन आज यहाँ पे रश कम है। हम इससे एक दिन पहले आए थे कि ये चांद रात में, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी लेकिन आज भीड़ कम है। यहाँ पे ले रहे हैं चाय पियेंगे बस, क्योंकि टाइम नहीं उतरा हमारे पास। मैंने सोचा था ऊपर आके कुछ खा लेंगे लेकिन चाय अच्छा, अभी गरम चाय बना रहे हैं, पहले की बनी चाय नहीं है। और अरसू आ चुके हैं हमारा मूवी देखने के लिए, रॉकी भाई देखते हैं। हाँ रॉकी भाई, क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट इतना तोड़ के देखा है, अभी सेकंड पार्ट में देखने जा रही हूँ। बट वो लिंक मैच करना चाहिए, फर्स्ट पार्ट के मैंने तोड़ के देखे तो आई डोंट नो मूवी मुझे कैसे लगी। लेट्स सी, अंदर जाके देखें। वी आर हियर एट द थिएटर। जा रहे हैं मैगडी में क्योंकि रात ही 11 बज रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि घर पे कुछ बन पाएगा। तो हमारा मूवी ख़त्म हो गया एंड और अभी भी हम लोग KGF का जो वाइब था उस वाइब में भी अभी तक है, क्योंकि मैं तो डूबा हुआ हूँ, ये डूबा हुआ है। और मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है, मैंने फर्स्ट पार्ट देखा था लेकिन बहुत ब्रेक करके वो टूट के देखा। अरे 5-6 बार देखने लायक मूवी है। हाँ रियली इट वॉज अ रियली ऑसम मूवी। तो अभी हमारा मूवी ख़त्म हो गया, बज गया 11, अबू का कॉल आ चुका है कि हम लोग कहाँ पे हैं, तो अभी हम जाने वाले हैं। और हम ले रहे हैं मैगडी से हमारा नाइट मील, क्या ईद काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया ये मूवी देख के, वर था। और बस अभी घर जाते हैं, फिर देखते हैं, घर पर मिलते हैं। ये कुछ ऐसा मच्छर तानी लगा है, मॉस्किटो नेट लगा है, तो मैं इसी के अंदर, तो देखा आपने मैं कैसे सो रही हूँ मच्छरदानी के अंदर। तो चलिए मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे सोना है और जल्दी उठना है कल, क्योंकि कल निकलना है 2 बजे आफ्टरनून में। तो शुभ खैर बाय। मूवी बहुत अच्छी थी, मज़ा आ गया मूवी देख के। हेलो गुड आफ्टरनून। तो आज है 3rd डे ईद का, लेकिन बहुत सैड डे भी है क्योंकि आज मैं वापस जा रही हूँ अपने घर से और मेरी फ्लाइट है 2 बजे के लिए। लेकिन मैं जाने से पहले किसी से मिलाना चाहती हूँ, मेरे मामू जान आए हैं मिलने के लिए ईद करके, बट काफ़ी लेट आए हैं मेरे जाने के टाइम पे। तो ये है मेरे मम्मा और ये मेरी कज़िन है, मुझसे मिलने के लिए आई ईद के लिए, और मेरे मामू आए हैं। तो अभी हम जल्दी लंच करेंगे, खाएंगे और फिर बस मैं निकल जाऊँगी। मुझे बहुत ख़राब लग रहा है कि मैं जाने वाली हूँ। तो अभी टाइम हो गया है 2:15 और हम बस निकलने वाले हैं। एक 15 मिनट पर अकबर हाफिज जी आने वाले हैं, हमारे भाईजान हमें ड्रॉप करेंगे रायपुर तक। हमारे साथ जा रहा है अरसू छोड़ने के लिए। तो अभी अब थोड़े से इमोशनल होने वाले हैं यहाँ पे, लेट्स सी उनका क्या रिएक्शन है। तो अम्मी मैं जा रही हूँ, आपको क्या कैसा लग रहा है मैं 3 दिन के लिए आई? अच्छा लग रहा है, अच्छे सीट में आए, अपने घर जाओ, सबको सलाम दुआ बोलना हमारी तरफ से, और अच्छे से रहना बेटा, हमारी दुआ हम सब। ईदी दी अम्मी मेरे को, सिर्फ मेरे को अम्मी ईदी नहीं दी है, एक्चुअल में अम्मी नहीं दी, हमें अम्मी मिला कुछ नहीं मिला। अब मेरे को अभी तक ईदी नहीं दी, अब्बू दिए मेरे को ईदी, कितना दिए आपको ईदी? मेरे को सिर्फ 1000 रुपये अम्मी को दी, नहीं मेरे को अब्बू। मेरी ईदी कहाँ है? तो गाइज हमारी अप्पी आज निकल रही है, बोले तो नू बोलते हैं अपन उसको, आज निकल रही है, बड़ी अच्छी बात है। यार बुला रहे हैं टाटा।